नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। मुजफ्फरपुर न्यायालय में पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग ही रामचरितमानस पर बयानबाजी करते हैं। निगम प्रशासन के खिलाफ स्टेशन रोड में धरने पर बैठे दुकानदारों की समर्थन में पूर्व मेयर राकेश कुमार पिंटू उतरे। और साहिबगंज थाना क्षेत्र रामपुर असली गांव में ससुराल गए युवक को ससुराल वालों ने बेहोश कर प्राइवेट पार्ट में घुसाया ग्लास। ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर न्यायालय में परिवाद की सुनवाई के लिए पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि रामचरितमानस पर बोलने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह शुक्रवार को सिविल कोर्ट में दायर परिवाद में सुनवाई के लिए पहुंचे। उन्होंने बिहार में रामचरित को लेकर दी गई बयानबाजी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बयानबाजी को टुकड़े टुकड़े गैंग की बात बताई। उन्होंने रामचरित मानस को लेकर कहा कि किसी टुकड़े टुकड़े गैंग में अगर हिम्मत है तो कुरान को लेकर टिप्पणी करके दिखाएं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धृतराष्ट्र तक कहकर संबोधित किया। जदयू नेता गुलाम रसूल बलियानी की तकरीर, मेरा आका की इज्जत हो तो हाथ डालेगा उस जगह को कड़वला बना देंगे, पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हिंदुओं ने चूड़ियां नहीं पहनी है, यह हमारे पूर्वजों की गलती का नतीजा है कि जो आज टुकड़े टुकड़े गैंग इस प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं। यहीं ये सब पाकिस्तान चले गए होते तो ये दिन देखना न होता। उन्होंने सभी मुसलमानों को चुनौती देते हुए कहा कि हिंदुओं ने चूड़ियां नहीं पहनी है। भाग्य है और देश का कि आज देश के अंदर हिंदुओं के ग्रंथों का अपमान किया जा रहा है बिहार में, और नीतीश कुमार एक लाचार मुख्यमंत्री की तरह दिख रहे हैं, जैसे धृतराष्ट्र सत्ता की मोह में विध्वंस कर दिया, वैसे नीतीश कुमार धृतराष्ट्र की तरह सत्ता के लिए समाज में विद्वेष फैलाने वालों को भी संरक्षण दे रहे हैं, क्यों वो मुख्यमंत्री हैं। और है हिम्मत किसी टुकड़े टुकड़े गैंग को कि जरा कुरान पर कोई कुछ टिप्पणी कर दे? जिस ढंग से कुरान है मुसलमानों के लिए, उसी तरह से हिंदुओं के लिए रामायण और गीता। हम हमारी सहिष्णुता पर कोई परीक्षा ना ले, हिंदुओं को डराए नहीं, हिंदुओं को अपमानित ना करें। और दुर्भाग्य है मुख्यमंत्री सत्ता के लोभ में धृतराष्ट्र की तरह बैठे हैं। आज बिहार सबसे बुरी स्थिति में है, मुख्यमंत्री लाचार दिख रहे हैं और सत्ता के लिए धृतराष्ट्र की तरह जुबान बंद रखे हैं। उनके नेता कहते हैं कि हम विष पी रहे हैं। प्रधानमंत्री के बनने के लोभ में आज वो विष पी रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के पार्टी के लोग तो हनुमान चालीसा जरूर जाके पढ़ रहे हैं, रामायण चालीसा जरूर, लेकिन उन्हीं के अंडर में आज हिंदू का पवित्र ग्रंथ, हमारा तो दो ही ग्रंथ है रामायण गीता, पर जिस ढंग से हिंदुओं को अपमानित किया जा रहा है ग्रंथों को, क्या ये टुकड़े टुकड़े गैंग या उनके किसी मंत्री को जो अपने को प्रोग्रेसिव कहते हैं, कुरान मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ है, क्या उस पर कोई टिप्पणी कर सकते हैं? है हिम्मत? साहिबगंज थाना क्षेत्र के रामपुर असली गांव में ससुराल गए एक युवक को ससुराल वाले ने बेहोश कर प्राइवेट पार्ट में गिलास घुसा दिया। जिला में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। 35 साल के युवक के पेट में गिलास पाई गई है। SKMCH में गुरुवार को देर शाम पेट में दर्द का इलाज कराने पहुंचे मरीज का डॉक्टरों ने एक्सरे कराया। एक्सरे में उसके प्राइवेट पार्ट में ग्लास फंसे रहने की जानकारी हुई। इसके बाद डॉक्टरों के होश उड़ गए। पीड़ित साहिबगंज के रामपुर असली गांव के 35 वर्षीय पवन कुमार साहब, उसकी हालत चिंताजनक है। डॉक्टरों का कहना है कि ग्लास स्टील की है या शीशे की, इसकी पड़ताल की जा रही है। डॉक्टरों को दिए गए जानकारी में उसने आरोप लगाया है कि
15 दिन पूर्व वह अपने ससुराल माधवापुर गया था। वहां पर उसके ससुराल के लोगों ने उसके साथ मारपीट किया था। मारपीट के दौरान वह बेहोश हो गया था। होश आने के बाद से ही वह प्राइवेट पार्ट में दर्द महसूस कर रहा था। गांव के डॉक्टरों से उसने इलाज कराया। वह इंजेक्शन लगाते थे तो दर्द आराम हो जाता था और फिर बढ़ जाता था। पवन के साथ इलाज के लिए SKMCH में उसकी 70 साल की बूढ़ी माँ पहुँची। उनका कहना है कि वह बहुत गरीब है, कैसे बेटे का इलाज कराएगी। हालांकि बुजुर्ग महिला भी कैसे पवन के प्राइवेट में पार्ट में ग्रास घुसे हैं इस पर कुछ बोलने से पहले परहेज कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें नहीं पता ग्लास कैसे अंदर गया। पवन का पेट काफ़ी फूला हुआ है। युवक ने कहा कि वह हैदराबाद में रहता था। वह एक पेट्रोल पंप पर काम करता था। 20 दिन पहले अपने घर लौटा था। करीब 15 दिन पहले पत्नी प्रियंका देवी को मायके से लाने गया था, लेकिन ससुराल के लोगों ने मारपीट किया, इसमें वह बेहोश हो गया। इसके बाद वह वापस आया तो बीते 15 दिनों से उससे दर्द होने लगी। ज़्यादा दर्द होने के बाद वह मेडिकल पहुँचा था। वहीं ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि पीड़ित के साथ मारपीट हुई थी और ग्लास प्राइवेट पार्ट में डाल दिया गया था, जिसे ऑपरेशन के बाद सफलतापूर्वक निकाल दिया गया है। फैमिली से झगड़ा झुगड़ी हुआ है। अच्छा। 5 साल शादी का हो गया, मैं बुलाने गया तो नहीं आ रहा था। 5 साल में 4 महीना हमारे पास रहा। 4 महीने में उसको फोटो मिला पर्स में, तो मैं पूछा से किसका फोटो है, तो हमारा दोस्त का है। हमें दूसरे लड़के का फोटो रखना चाहिए, कहाँ रखेंगे बोल। आपके साथ क्या हुआ है? ओ मारा पीटी हुआ है। मारा पीटी होने के बाद में पूरा बहस कर दिया। एक दिन में पूरा बहस था, दूसरे के दिन मालूम चला था पेट में दर्द हो रहा है। गिलास निकला। कहाँ घर है आपका? रामपुर असली थाना सायमगढ़। कौन है? बेटा है? लड़का है। कति बेला था? वो लड़का है तो झगड़ा दोनों को के चल गया घर नहीं है। बुलाने गया थे टेम्पू लेके, तो इसके मार के बेहोश कर दिया। अब बेहोश करके क्या के गिलास लगा दिया। कहाँ तो कैसे मालूम चल रहा? यहाँ दर्द जब हो जाए तो हम डॉक्टर ही डॉक्टर 5 बजे सायमगंज में दिखा दिया, 2 बजे मुजफ्फरपुर में दिखा दिया, 1 बजे तीसरे बेर काल आया तो रेफर कर दिया बिरिंदर बाबू, तो हम यहाँ लेकर आया तो गिलास पहरा पेट में। अब वो नहीं देखा तो स्किल है किया है कथी परिवार किया है ओजम के समाज के है समुदाय दुग दुगी दास बहू और शंभुदास बहू का कौन है? पुतो कहाँ के? पुतो के परिवार वाला सर? हाँ हिमादपुर उसके नहीं है, प्रियंका कराया है। हाँ के अथी? हम सास अथी। एक हमारे यहाँ पेशेंट सामने का एडमिट हुआ था साहिबगंज से, 20 दिन पहले उसको फिजिकल रिजल्ट किया गया ससुराल वालों के द्वारा, उसको मारपीट कर बेहोश कर दिया गया, उसके प्राइवेट पार्ट्स में एक ग्लास स्टील का डाल दिया गया। पेशेंट को पता नहीं था, बट शाम में पेन एब्डोमेन करके पेशेंट एडमिट हुआ, उसके बाद हम लोग एक्सरे वगैरह करवाए, इसमें ग्लास डिटेक्ट किया गया, उसके बाद आज हम लोग इसका ऑपरेशन किए, सकरा स्थित NH पर पुलिस की गाड़ी में पिकअप ने जोरदार टक्कर मारी, जिसमें पुलिस कर्मी बाल बाल बचे। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पुलिस की गाड़ी को लोहे की पाइप लदे एक पिकअप ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एक महिला सिपाही को गंभीर चोट आई है, वही अन्य पुलिस कर्मी भी चोटिल हो गए हैं। पूरा मामला सकरा थाना क्षेत्र के भटंडी के NH 28 का है, जहां पर सकरा थाना के पुलिस की 112 नंबर की गाड़ी को पिकअप ने पीछे से टक्कर मार दी। वो ये गनीमत रही कि पिकअप पर लदे लोहे की पाइप पुलिस की गाड़ी पर न गिरकर रोड पर गिर गई, जिससे पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। वहीं कई स्थानीय लोग लोहे की पाइप को लूटने का प्रयास भी करने लगे। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई और जाँच करने में जुट गई। तो ये पिकअप जिस पे ये पाइप लदा हुआ था वो पीछे से आया है, ठोक दिया है। नहीं, किसी को चोट नहीं लगा है, मेरे महिला सिपाही के सर में थोड़ा चोट लगा है बस। और गाड़ी का क्या स्थिति? गाड़ी का स्थिति आप देख सकते हो, वहाँ पे गाड़ी लगी हुई है, गाड़ी पूरा मतलब पीछे से उसको ठोक दिया गया है। ये पानी का लोहा वाला पाइप है, हाफ इंची का है। ये इसके पिकअप के ऊपर बना हुआ था
और जैसे जी 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 मेरे पीछे मेरे गाड़ी के पीछे ठोक दिया, पिकअप वाला भाग गया है, पिकअप अभी यहाँ पे है, इसको हम लोग थाना पे ले जाएंगे। मेरा नाम आभास कुमार हुआ। गोबरसही स्थित एक निजी होटल की सभागार में सामाजिक विकास परिषद द्वारा स्वर्गीय नंदू बाबू को श्रद्धांजलि दी। सामाजिक नेता नंदू कुमार साहू उर्फ नंदू बाबू के सम्मान में शहीद वंशी चाचा सामाजिक विकास परिषद की ओर से गोबरसही स्थित एक निजी होटल के सभागार में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसमें पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, विधायक केदार प्रसाद गुप्ता, मेयर प्रत्याशी विकास गुप्ता समेत कई नेता उपस्थित रहे। इस अवसर पर उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने नंदू बाबू के सपनों को साकार करने का वचन लिया। वहीं पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि नंदू बाबू ने सौंदर्य और स्वच्छ शहर बनाने का सपना देखा था, लेकिन इस बीच रास्ते में छोड़कर वह हम लोगों को अलविदा कह गए। हम लोग वचन लेते हैं कि उनके इस सपनों को पूरा करेंगे। वहीं मेयर प्रत्याशी विकास गुप्ता ने नंदू बाबू के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हम लोग वचन लेते हैं कि शहर को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। नंदू बाबू हमेशा गरीब मजदूरों के उत्थान के लिए काम किया है, हम लोग भी गरीब एवं मजदूरों को उत्थान के लिए काम करने के लिए वचनबद्ध हैं। देखिए आज इस शहर के सम्मानित और जिनके सपनों का मुजफ्फरपुर बनाने का एक मेरा संकल्प था और वह उस संकल्प के अनुयायी थे और उस संकल्प को पूर्ण करने की जवाबदेही थी उनको, लेकिन हम लोगों को छोड़कर वो चले गए। आज जगह जगह पर लोग उनकी याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर रहे हैं। आज इस उदय ग्रैंड में भी सभी मुजफ्फरपुर वासी और हमारे कुढ़न्नी के विधायक केदार गुप्ता जी, हमारे विवेक कुमार जी पूर्व उप मेयर तथा अमर बाबू, ये सारे लोग जो इस अभियान में लगे हुए थे कि शहर को सुंदर बनाना है और उसमें नंदू बाबू को हमें लाना है, वो हम लोगों को छोड़ करके चले गए। और आज हम लोग महसूस कर रहे हैं कि उनके जाने से जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति हो सकेगी कि नहीं हो सकेगी, यह संशय में हम लोग हैं। उतने जुझारू, उतने कर्तव्यशील, उतने बोलने का सारे गुण से वो परिपूर्ण थे और उनकी लालसा थी कि हमारा मुजफ्फरपुर फाउंडेशन के तरफ से उनकी श्रद्धांजलि सभा आयोजित किया गया है। इसमें हम सभी लोगों ने हिस्सेदारी ली है और अपने गार्जियन को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। साथ ही साथ ये संकल्प लिया है, जो उनकी लड़ाई थी भ्रष्टाचार के खिलाफ, गरीब जो दबे कुचले लोग हैं जिनका शोषण होता था, उन शोषितों के समर्थन में जो वो दिन रात लड़े रहते थे और उनकी जो लड़ाई भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जारी थी, उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। और इन्हें निरंतर, आज ये नंदू बाबू नहीं है लेकिन हम सब लोग मिलकर उनके सपनों का शहर मुजफ्फरपुर बनाने के लिए दिन रात एक करके मेहनत करेंगे, यही हम लोगों की उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। शादपुरा मोहल्ले से गायब 70 वर्षीय राजेंद्र कुमार का शव SKMCH में लावारिस अवस्था में मिला। 8 जनवरी की शाम से लापता बुजुर्ग का शव परिजनों को SKMCH स्थित पोस्टमार्टम हाउस में मिला है। बता दें कि 70 वर्षीय मृतक राजेंद्र शाह काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र की सातपुरा दुर्गा स्थान निवासी है। मृतक के बेटे ने बताया कि पिता के लापता होने के बाद सोशल मीडिया सहित कई अन्य माध्यमों पर बैनर पोस्टर खोज में जुटे हुए थे। इसी क्रम में कल रात उन्हें फोन आया और SKMCH के पोस्टमार्टम हाउस पहुंच एक अज्ञात शव की शिनाख्त करने को बुलाया गया। वहीं आज जब वह पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उन्हीं के पिता है जिन्हें किसी अज्ञात वाहन ने रौंद कर मौत के घाट उतार दिया। मेरे पिताजी जो 8/1/2023 को शाम 4 बजे करीब में
धूप के कारण बाहर निकल गए घूमने के लिए। उसके बाद हम लोग को अभी तक पता नहीं चला, बहुत मतलब कि खोजबीन किए, जो कि कल रात में 19/1/2023 को रात में कॉल आया कि 9 तारीख को धर्मपुर मोहम्मदपुर के करीब एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ, जो कि मैंने पहचान किया, मैंने बहुत खोजबीन किया, पोस्टर उस्टर बहुत चिपकाया, ठीक है, उसके बाद मैंने पहचान किया। आज मैं मतलब कि SKMCS में आया तो अपने पिताजी को देखा तो एकदम सेम पिताजी है मेरे, कपड़ा हम लोग सातपुरा दुर्गा स्थान। क्या नाम बताया जा रहा? पिताजी का नाम राजेंद्र था। क्या उम्र रहा होगा? 70 साल। यहाँ आप आए हैं? हुआ यही था कि मेरे पिताजी जो 8/1/2023 को धूप निकलने के लिए बाहर निकले 4:00 PM, उसके बाद वो घर नहीं आए, तो हम लोग मतलब 2-3 दिन तक खोजे, बहुत खोजे, उसके बाद फिर और उसके बाद थाना में FIR भी करवाए, उसके बाद हम लोग पोस्टर बैनर भी छप जगह जगह पर लगाए, 4-5 गाड़ी से यहाँ भी मेडिकल में भी लगा हुआ है उनका लापता का, और उसके बाद हमको आज एक जगह से आज कल रात में एक कॉल आया कि यहाँ 19 तारीख को रात में कॉल आया कि जो 9 तारीख को यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है जिसका शिनाख्त आप मेडिकल में जा करके कर सकते हैं। तो वही हमने देखे आ करके, तो ये मेरे पिताजी हैं और उनका सारा पहचान, उनका कपड़ा, उनका शरीर, फेस वेस सारा चीज वही है। मृतक का नाम श्री राजेंद्र सा था। कहाँ के रहने वाले थे? सातपुरा दुर्गा स्थान नीम चौक। क्या उम्र रहा होगा? उम्र लगभग 70 साल थे। विखनपुरा स्थित PNS इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट में निशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया। जिज्ञासा समाज कल्याण केंद्र की ओर से शुक्रवार को विखनपुरा स्थित PNS इंस्टीट्यूट में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इसमें कमर दर्द, स्लिप डिस्क, साइटिका, नस का दबाव आदि बीमारियों की निःशुल्क न्यूरोलॉजी डॉक्टर सुरेंद्र कुमार के द्वारा जाँच की गयी। इस अवसर पर मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श भी दिया गया। इसके अलावा मरीजों को फिट रहने एवं बीमारियों से बचाव के लिए जागरूक किया गया। डॉक्टर ने वहां मौजूद लोगों को इन सभी बीमारियों के लक्षण और बचाव के बारे में विस्तार से बताया। इस अवसर पर लगभग 50 लोगों का निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर किया गया और नस, कमर दर्द आदि बीमारियों का इलाज भी किया गया। परमानंद बाबू की पुण्यतिथि के अवसर पर PNS इंस्टीट्यूट के प्रांगण में जिज्ञासा सेवा संस्थान के द्वारा निशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें डॉक्टर सुरेंद्र कुमार पटना से आए हैं और शरीर के किसी भी प्रकार के दर्द को, लंबा दर्द जो रहता है, उसका प्रेशर टेक्नोलॉजी से वो उसको दूर करते हैं। यहाँ पे बड़ी संख्या में पेशेंट्स दूर दूर से आए हैं इसी का ट्रीटमेंट करवाने के लिए। सुमित जी, जिज्ञासा संस्थान और PNS को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज निशुल्क कायरोप्रैक्टिक कैंप लगाया गया है स्वर्गीय परमानंद सिंह के पुण्यतिथि पर। यह एक ऐसी विधा है जिसमें लोगों को दर्द संबंधित कोई भी समस्या होती है, क्योंकि अभी जीवन स्तर इतना बिगड़ा हुआ है जिसके कारण कमर में, गर्दन में, घुटने में, सर्वाइकल या फिर स्पाइनल जो भी संबंधित दर्द है, तो वह कायरोप्रैक्टर डॉक्टर सुरेंद्र कुमार हैं, वह अपने विधा से इसको सही करते हैं। कितने लोगों को अभी तक? अभी कई राज्य से लोग आए हैं, कुछ बंगाल से हैं, कुछ असम से हैं, कुछ लोग बेगूसराय से, कई मतलब अभी 100 लोगों से अधिक लोगों का रजिस्ट्रेशन है, सब लोग का जांच चल रहा है। मेरा नाम सुमित कुमार है और कार्यक्रम संयोजक है। सिकंदरपुर स्थित दुर्गा मंदिर के प्रांगण में तिरंगा यात्रा को सफल बनाने को लेकर रामगढ़ परिवार के सदस्यों ने बैठक की। तिरंगा यात्रा की सफलता को लेकर शुक्रवार को सिकंदरपुर स्थित दुर्गा मंदिर के प्रांगण में रामगढ़ परिवार ने सदस्यों के साथ बैठक की। इसमें तिरंगा यात्रा के रूट को लेकर रामगढ़ परिवारों के पदाधिकारी एवं सदस्यों ने आपस में चर्चा की। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर शाम 3 बजे सिकंदरपुर मोड़ से तिरंगा यात्रा निकलेगी, जो सियागंज, छाता बाजार, गरीब स्थान, साहू रोड, हरसभा चौक, कल्याणी एवं विभिन्न मार्गों होते हुए वापस सिकंदरपुर मोड़ पर सम्पन्न होगी। इस दौरान 351 फीट लंबी तिरंगा यात्रा निकली जाएगी।
इस अवसर पर आकाश साहनी ने बताया कि प्रत्येक वर्ष रामगढ़ परिवार की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली जाती है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए शहर में तिरंगा यात्रा निकलती है, जिसमें शहर एवं गांव से भी लोग आकर शामिल होते हैं। 108 बाबा अजगैवीनाथ सिंह महावीर एवं दुर्गा मंदिर पे एक बैठक का आयोजन किया गया, जो कि विगत कुछ वर्षों से हम लोग तिरंगा यात्रा करते हुए आ रहे हैं मुजफ्फरपुर शहर में, जो कि मुजफ्फरपुर शहर के शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र से विभिन्न चौक चौराहों से सभी भाई इसमें शामिल होते हैं। उसको लेकर आज बैठक किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि तिरंगा यात्रा के समय में कुछ परिवर्तन किया गया, क्योंकि उसी दिन सरस्वती माता का पूजा है, तो सभी युवा साथी जो इस तिरंगा यात्रा में शामिल होते हैं वह माता के पूजा में व्यस्त रहेंगे। तो इसको लेकर समय में परिवर्तन किया गया, जो कि तिरंगा यात्रा 12 बजे निकाली जाती थी वह इस बार 3 बजे कर दी गई है। रूट क्या रहेगा? रूट हमारा रामगढ़ चौक से स्टार्ट होकर सरियांगा टावर, पंगर मार्केट, गरीब स्थान, साहू रोड, दीपक सिन्हा रोड, छोटी कल्याणी, हरसवा चौक, कल्याणी, मोती झील होते हुए इस्लामपुर, नवयुग समिति, सरियांगा टावर होते हुए रामगढ़ चौक पर समाप्त की जाएगी। कितने फीट का तिरंगा होगा? 351 फीट का यह तिरंगा होगी इस बार। क्या उम्मीद है? उम्मीद और विश्वास। विश्वास तो हमारे सभी भाइयों पे है, उम्मीद हमारी आखिरी उम्मीद हम खुद हैं, जब तक हम हैं तब तक उम्मीद कायम है। आकाश सोनी अपने पूरे रामगढ़ परिवार के साथ, जय हिंद, जय भारत। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन, दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों के बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए है। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज, मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है, तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। चुन्नी लाल मेगा मॉल सरैयागंज टावर के समीप अखाड़ा घाट रोड मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपए से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपए से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाइएस्ट आप चले जाइए 3000 4000 10000 तक भी मिलेगा आपको। बनारसी से 250 रुपए से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40000 तक चला जाएगी। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर शहर वासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई है। इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस,
अगर आप भी छूना चाहते हैं, आसमान की ऊंचाइयों को क्रैक करना चाहते हैं, IIT JEE, AIIMS, NEET, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, AIIMS, NEET, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरियागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। जीनियस क्लासेस। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट आवर वेबसाइट www.geniusclasses.in और ईमेल अस ऑन info@geniusclasses.in। रजिस्ट्रेशंस आर ओपन and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों के आशियाओं को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम, जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहाँ नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है, आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। स्टेशन रोड के दुकान को खाली कराने की नोटिस आने पर धरने पर बैठे दुकानदारों के समर्थन में पूर्व मेयर राकेश कुमार पिंटू शामिल हुए। नगर निगम की ओर से स्टेशन रोड से दुकान हटाने की नोटिस जारी होने के बाद धरना दे रहे दुकानदारों को पूर्व मेयर राकेश कुमार पिंटू ने समर्थन देते हुए शुक्रवार को धरना पर बैठ गए। उनका कहना है कि दुकानदारों को पहले कहीं बसाया जाए, फिर उन्हें उजारा जाए। इस अवसर पर पूर्व मेयर ने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत रोड एवं नाला का निर्माण हो रहा है। स्टेशन रोड में 54 फीट रोड की आवश्यकता है, जो दुकानदारों का दुकान के बाहर ही पूरी हो जाती है। इसके बावजूद गरीब दुकानदारों को हटाया जा रहा है और नगर निगम के पास स्थित दुकानों को ज्यों का त्यों छोड़ दिया गया है। अगर स्मार्ट सिटी के सौंदर्यीकरण के लिए दुकानदारों को हटाना ही है, तो पहले नगर निगम उन्हें कहीं बसा दे, फिर उजाड़े। गौरतलब है कि स्टेशन से लेकर धर्मशाला चौक के निकट तक स्थित 116 दुकानदारों को नगर निगम ने हटाने की नोटिस जारी की है। अगर दुकानदार खुद दुकान खाली नहीं करते हैं तो 21 जनवरी को JCB के द्वारा दुकान तोड़कर हटा दिया जाएगा। तभी से दुकानदार आंदोलनरत है
और दुकानदारों ने नगर आयुक्त से मिलकर कई बार ज्ञापन सौंपा, लेकिन कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। इसके बाद 19 जनवरी को सभी 116 दुकानदार नगर निगम के बाहर धरना पर बैठ गए। स्टेशन रोड में जो नगर निगम द्वारा दुकान के सड़क को चौड़ीकरण के नाम पर पूरी दुकान को हटाए जाने का नोटिस देने के बाद जो दुकानदार हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। उनके साथ जो पूर्व मेयर राकेश कुमार पिंटू हैं वो भी धरने पर बैठे हुए हैं। उनसे बात करेंगे, क्योंकि दुकानदारों की जो बड़ी समस्या है उसको लेकर आज साथ देने के लिए पूर्व मेयर राकेश कुमार पिंटू जी ये बताइए कि आज आप दुकानदारों के साथ धरने पर बैठे हैं, क्यों? जैसा कि नगर आयुक्त महोदय के द्वारा इन लोग को नोटिस दिया गया है 116 दुकानदार को उजाड़ने का, जो बिल्कुल असंवैधानिक है, क्योंकि स्मार्ट सिटी के नाम पर जो यहां पर रोड नाला बनना है वो 54 फीट में बनना है, और 54 फीट इन लोग के पास पूरा यहां पर है। 54 फीट के बाद ही कोई दुकानें हैं। जब पूरा 54 फीट पर दुकान 54 फीट के बाद है तो फिर क्यों उजाड़ा जाए? अगर मान लीजिए उनको सौंदर्यकरण के नाम पर उजाड़ना है स्मार्ट सिटी को बस को दिखाने के लिए, तो मेरा कहना है कि पहले इनको बसाइए। बहुत सारी जगह है मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में जहां पर इनको बसाया जा सकता है। मेरे पास भी ये मामला, जब मैं महापौर के पद पर था तो दुकानदार भाई लेके आए थे, हमने उस समय भी बोला था कि नहीं उजाड़ने दिया जाएगा और नहीं उजाड़ा जाएगा। आपके समय जो रोड का चौड़ीकरण जो स्मार्ट सिटी बोल रहे कि 54 फीट चाहिए, 54 फीट ऑलरेडी आपके समय ये पास हुआ था 54 फीट? 54 फीट चूंकि चाहिए स्मार्ट सिटी को तो 54 फीट है, 54 फीट जब है ही तो फिर उजाड़ने का सवाल ही नहीं होता है। अगर नगर आयुक्त महोदय नहीं मानेंगे दुकानदारों को लेकर तो फिर आगे का स्टंट क्या होगा? आप देखिए कि नगर निगम का जहां कार्यालय है वहां के दुकानदारों को नहीं कोई नोटिस दिया गया, न उजाड़ने का कुछ प्रक्रिया हो रहा है। वहां पर सौंदर्यकरण वहां भी 54 फीट का रोड है, यहां भी 54 फीट का ही रोड है। एकाध पिलर अगर कहीं पर है तो उतना दुकानदार भाई तैयार है उसको हटाने के लिए और फिर इनको रोजगार दिया जाए। चूंकि ये दुकानदार कोई अमीर दुकानदार नहीं है, ये छोटे छोटे दुकानदार हैं। कोई प्लास्टिक बेचता है, कोई आपका लोहा लक्कड़ बेचता है, डब्बा बेचता है, ये सब दुकानदार है। कोई निगम प्रशासन अगर नहीं मानेगा फिर आगे आप क्या करेंगे? निगम प्रशासन अगर नहीं मानेगी तो संवैधानिक जो भी तरीका है उस तरीके से हम लोग को लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और आगे डीएम साहब के पास भी हम जा रहे हैं। डीएम साहब से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इन लोग को नहीं उजड़ने दिया जाए। सबीर जी आप क्या कहें? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये दुकानें 1995 में तत्कालीन प्रशासक श्री के पाठक महोदय ने नगर निगम की 6 फीट बाई 8 फीट दुकानें इन दुकानदारों को अलॉट किया था, और इन दुकानदारों ने अपने खर्चे से, गरीब दुकानदार हैं, जेवर बेच करके, जेवर बंधक रख कर करके किसी तरीके से अपने रोजी रोजगार के लिए दुकानों को तैयार कराया था। छोटे छोटे गरीब दुकानदार हैं। आज पिछले 5 तारीख को जब इनके पास नोटिस आया तब से मैं इसमें लगा हुआ हूँ, और उन्होंने हिटलर शाही फरमान जारी कर दिया कि 20 तारीख तक आप दुकानों को हटा लें। मैं नगर आयुक्त महोदय से मिला भी था और मैंने कहा कि जब आप अपने कार्यालय के बाहर में रोड और नाले का जो निर्माण कराए हैं बिना नगर निगम की दुकानों को तोड़े हुए, तो वहां पर 54 फीट में रोड और नाला दोनों बन गया है, तो अगर वहां पर 54 फीट में रोड और नाला दोनों बन सकता है तो उसी रोड में ये भी है, कोई अलग से नहीं है, एक साथ उनका भी अलॉटमेंट है, तो इनको न उजाड़ा जाए। 54 फीट से अगर ज्यादा किसी का आता है, किसी का आधा फिट पड़ेगा, किसी का 1 फिट पड़ेगा, तो आप डिमार्केशन कर दीजिए। ये बताइए आपको लग रहा है कि ये साजिश या राजनीतिक है? भाई नगर निगम आयुक्त महोदय, अभी तो नगर निगम की सरकार परसों बनी है, शपथ ग्रहण होने के बाद परसों चार्ज लिया है मेयर साहिबा और डिप्टी मेयर साहिबा ने। उससे पहले नगर निगम आयुक्त महोदय ही चार्ज में थे फुल्ली नगर निगम के, वही एग्जीक्यूटिव और डेमोक्रेटिक सारा राइट उन्हीं के पास था, इसलिए हम लोग उनके पास मिले थे और उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि 54 फीट के अंदर में अगर रोड हमारी बन जाती है तो हम इन दुकानों को नहीं उजाड़ेंगे। लेकिन कल वो नापी के लिए डिमार्केशन के लिए आए तो
तो 54 फीट की बात ही को वो भूल गए। उन्होंने सीधे कहा कि आप डिक्टेटरशिप वाला लाइन लेते हुए कि आप दुकानों को हटाइए, नहीं तो हम उजाड़ देंगे कल शाम के बाद। इसलिए हमारा डिमांड सुन लिया जाए। हमारा डिमांड है कि या तो इन दुकानों को 54 फीट के से एक्स्ट्रा में है, इनको बचाया जाए, रोजी रोटी करने दिया जाए, अन्यथा अगर आपको जरूरी महसूस होता है तो ये दुकानें हटा लेंगे, लेकिन उससे पूर्व इनको दुकानें दे दी जाए कहीं अन्यथा दूसरी जगह। और अगर अभी देने के लायक आप नहीं है तो लिखित तौर पर आप जगह को सूचित करके चिन्हित कर करके इन दुकानदारों से एग्रीमेंट कर लें कि हम आपको फलां जगह पर दुकानें देने को तैयार है, आप अपनी दुकान हटा लें। देख सकते हैं कि दुकानदारों का जो आंदोलन है और 54 फीट का जो मामला है, आप देख सकते हैं कि वहां नहीं हटाया गया और इसके बाद 54 फीट के नाम पर इन दुकानदारों को हटाने की बात ये लोग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर यहाँ निगम प्रशासन नहीं मानती है तो इससे भी आगे आंदोलन हम करेंगे। अपने सहयोगी रिकेश चंद्रा के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। शहर के फुटपाथ विक्रेता संघ के सदस्यों ने स्ट्रीट वेंडर दिवस पर अहम बैठक की। स्ट्रीट वेंडर दिवस के अवसर पर शुक्रवार को लक्ष्मी चौक स्थित एक विवाह भवन में शहर के स्तरीय फुटपाथ विक्रेता संघ द्वारा बैठक आयोजन किया गया। इस बैठक में शहर के फुटपाथ कारोबारियों सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान फुटपाथ यूनियन के कोषाध्यक्ष मोहम्मद जसीम ने कहा कि कोविड के कारण पिछले 2 वर्षों से फुटपाथ कारोबारियों की स्थिति दयनीय हो गई है। सभी फुटपाथ कारोबारी आर्थिक बदहाली का दंश झेल रही है, वहीं सरकार की ओर से उन्हें मदद नहीं करने के बराबर मिल रहा है। वेंडरों के सहार्थार्थ चलाए जा रहे पीएम स्वनिधि योजना का भी लाभ वेंडरों को नहीं मिल रहा है। विभागीय उदासीनता के कारण जिले में इस योजना का वास्तविक लाभ लाभार्थियों को नहीं मिल रहा है। खासकर जिला मुख्यालय के शहरी वेंडरों को इसका लाभ बिल्कुल नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर बैठक की गई। साथ ही अन्य फुटपाथ दुकानदारों को भी संघ से जोड़ने का निर्णय लिया गया। हम लोग वेंडर दिवस मना रहे हैं, 20 जनवरी 2023 का वेंडर दिवस, जो कि हर साल हम लोग मनाते हैं। वेंडर दिवस पे कार्यक्रम यही हुआ है कि हम लोग उत्सव की तरह इसको मना, हमारा स्थापना हुआ, पहले हमारा कोई अस्तित्व नहीं था, कोई हमारा वजूद नहीं था। नासवी की देन है जो हम लोगों का वजूद जागा और हम लोग आगे बढ़े और हर साल अब वेंडर दिवस मना रहे हैं। पहली बार हम लोगों ने मनाया तो कुछ 20-25 लोग थे, दूसरी बार मनाया तो 100-200 लोग हुए, फिर करते करते आज हम लोग 500 लोगों पे बढ़ गए। अब हमारा मेन उद्देश्य ये है कि पूरे मुजफ्फरपुर के दुकानदार को जोड़ना और उनको हक दिलाना। मेरा नाम मोहम्मद जसीम, टाउन वेंडिंग कमेटी का मेंबर हूँ और TLF में कोषाध्यक्ष। शाहू पोखर पूजा समिति के कार्यालय में मासिक बैठक की गई। शाहू पोखर पूजा समिति ने शुक्रवार को शाहू रोड स्थित कार्यालय में मासिक बैठक की। इसमें एक महीने के कामों की समीक्षा की गई। इस बैठक में शाहू पोखर पूजा समिति के सभी सदस्य शामिल हुए। हर महीने होने वाले माँ गंगा की आरती पर चर्चा की गई। सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि गंगा आरती के अलावा जो भी धार्मिक कार्यक्रम है, सभी कार्यक्रम में साहू पोखर पूजा समिति भाग लेंगे। वही नए सदस्यों को जोड़कर संगठन का विस्तार किया जाएगा। आज साहू पोखर पूजा समिति की एक मासिक बैठक आज हुई और आगामी कार्यक्रम कैसे सुसज्जित ढंग से हो और जो संस्था का जो प्रमुख कार्यक्रम है, हर अमावस्या को भोलेनाथ महादेव का महासिंगार और दूसरा जो हर पूर्णिमा को आरती होती है उसके निमित्त और कैसे बेहतर हो, साथ ही आगामी कई कार्यक्रम और संगठन का विस्तार पे इस पे विशेष फोकस रखा गया और इसे लेकर आज बैठक हम लोग अपना कोर कमेटी की बैठक कर रहे हैं। और हमारा जो साहू पोखर पूजा समिति जो संस्था है, यह और भी धार्मिक कार्यों में बढ़े, कैसे आगे बढ़े, उसी पर यह आज मंत्रणा इस पे हो रही। मारवाड़ी युवा मंच के 49वें स्थापना दिवस पर शहर में मैराथन दौड़ का आयोजन करेगी, जिसकी जानकारी मंच के सदस्यों ने दी। मारवाड़ी युवा मंच के 49वां स्थापना दिवस के अवसर पर 22 जनवरी को शहर में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इसकी तैयारी को लेकर शुक्रवार को मंच की ओर से मुजफ्फरपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मंच के अध्यक्ष कृष्ण कुमार डोलिया ने बताया कि राष्ट्रीय एकता और स्वस्थ भारत के लिए 22 जनवरी को सुबह 4 किलोमीटर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। इसमें लगभग 500 व्यक्ति भाग लेंगे। यह दौड़ मुजफ्फरपुर क्लब से निकलेगी, जो सरायगंज टावर, जीडी मदर, अन्नपूर्णा मंदिर होते हुए वापस मुजफ्फरपुर क्लब में संपन्न होगी। इस दौड़ को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला 15 से 30 साल की युवती का लाइन, दूसरा 15 से 30 साल के लड़कों का लाइन एवं तीसरा 30+ वाले व्यक्तियों का लाइन अलग होगा।
इस दौरान दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। वहीं युवा मंच के स्थापना के अवसर पर पूरे सप्ताह अलग अलग तरह के कार्यक्रम के लिए किए जाएंगे, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप, निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर एवं स्कूली छात्राओं को जागरूकता करना आदि कार्यक्रम किए जाएंगे। युवा मंच का आज 39वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर हम लोग कई सारे प्रोग्राम, हम लोगों ने एक पूरे वीक का प्रोग्राम डिसाइड किया है, जिसमें 22 तारीख को मैराथन है। मैराथन में लगभग 500 बच्चे और बड़े भाग ले रहे हैं। ये लगभग 4 किलोमीटर का है और मुजफ्फरपुर क्लब से स्टार्ट होगा और इसका मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय एकता और स्वास्थ्य पे ध्यान। और इस सप्ताह में हम लोग ब्लड कैंप, अस्पताल जाके जो लड़कियाँ होती हैं उनको प्रोत्साहन करना, इस तरह के कई कार्यक्रम हम लोग इस सप्ताह में करेंगे। अभी मेन 22 तारीख को मैराथन दौड़ हो रही है। मैराथन में कितने उम्र के बच्चे भाग ले रहे हैं? मैराथन में हम लोगों ने 3 कैटेगरी में बांटा है, 15 से 30 साल के स्कूल के लड़के अलग, 15 से 30 साल की स्कूल की लड़कियां अलग, और उसके अलावा जो भी लोग आम पब्लिक भाग लेना चाहे वो 30 से ऊपर वाले अलग। तीनों के लिए अलग अलग कैटेगरी में प्राइज़ है, सेम तीनों को फर्स्ट प्राइज़ अलग अलग मिलेगा, साइकिल, ब्लोअर और हीटर। मुजफ्फरपुर क्लब से निकल के ये पंकज मार्केट, जीडी मदर, अन्नपूर्णा मंदिर, रानी सती मंदिर, करबला होते हुए वापस मुजफ्फरपुर क्लब में आएगी, लगभग 4 किलोमीटर। बिहार विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने प्रोफेसर इंद्रजीत ईश्वर की 31वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय शिक्षा संघ ने शुक्रवार को शिक्षक नेता प्रोफेसर इंद्रजीत ईश्वर की 31वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान विश्वविद्यालय स्थित शिक्षक नेता के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं वहां मौजूद शिक्षकों ने प्रोफेसर इंद्रजीत ईश्वर ने बताए हुए रास्ते पर चलने का वचन लिया। इस अवसर पर शिक्षक नेता ने कहा कि प्रोफेसर इंद्रजीत ईश्वर ने पूरी जिंदगी शिक्षकों की अगुवाई की, उन्होंने देश पटल पर शिक्षकों की अगुवाई कर उन्हें अधिकार दिलाया। हम लोग भी वचन लेते हैं कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर शिक्षकों के अधिकार के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। इंद्रजीत ईश्वर ने हमेशा शिक्षकों को भलाई के बारे में ही सोचा है। हम लोग प्रत्येक वर्ष उनके पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। बड़ी जुझारू नेता स्वर्गीय इंद्रजीत ईश्वर जी की आज पुण्यतिथि थी, 31वीं पुण्यतिथि थी। हर वर्ष की भांति हम लोग इस बार भी पुण्यतिथि मना रहे हैं और पूरे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय संघर्ष के ये पहचान थे, जुझारू नेता थे, पूरे देश के स्तर पर इनकी पहचान थी। बिहार की लड़ाई संघर्ष ने पूरे देश के शिक्षकों की अगुवाई किया था। ऐसे पुण्यात्मा के पुण्यतिथि पर हम लोग हर साल यहाँ एकत्रित होते हैं, उनको याद करते हैं, उनसे सीख लेते हैं और संघर्षों को, शिक्षकों के सवालों को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं। आज हम अपने जुझारू नेता स्वर्गीय इंद्रजीत ईश्वर जी की पुण्यतिथि पर एकत्रित हैं और आज समय है कि शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए उनसे प्रेरणा लेकर हम शिक्षक आंदोलन को तेज करें और बिहार विश्वविद्यालय और बिहार राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के विभिन्न समस्याओं का जिस तरह से मानमर्दन हो रहा है उसके खिलाफ आंदोलन करें और उनसे प्रेरणा लेकर हम सफल होंगे। इसी आह्वान के साथ हम उनकी पुण्यतिथि पर उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगी शहर के कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।